बस आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले करोड़ों रुपए के दिन में कमा ले दम किसके है खेल में सबको दिखा दे बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले ले दोस्तों को साथ भी क्या आप किंग्स इलेवन पंजाब के सपोर्टर हैं क्या आप किंग्स इलेवन पंजाब के फैन हैं आप हैं है या थी थी कह सकते हैं नहीं डब्बा गोल है डब्बा गोल पंजाब का डब्बा गोल हो चुका है मैं भी था मेरा भी बड़ा दिल टूटा है बल्लेबाजी स्पेशल रिपोर्ट में आज पंजाब की बात कर लेते हैं हैदराबाद की बात कर लेते हैं या फिर बात करें राशिका वो आखिरी चार की लड़ाई मुझे लगता है आखिरी चार की अच्छी बात है क्योंकि अगर आप पंजाब के सपोर्टर हैं या पंजाब के फैन हैं सुबह सुबह इतना टूट चुका आपका हम नहीं डब्बा गोल है और पंजाब नहीं है अब रेस में प्लीज अगले साल का हम वेट करेंगे जो अब अगला साल भी आने वाला है तो दी ओनली सिल्वर लाइनिंग फॉर पंजाब फैंस इज कि भाई अगली आईपीएल तो अप्रैल में आ जाएगी कोई बात नहीं पांच छह महीने बाद अगली आईपीएल देखे जाएंगे बट पंजाब ने बड़ा डिसअपॉइंट किया आई थिंक ये एक ऐसा मैच था जहां पर पंजाब कुछ जीतना चाहिए था सामने हैदराबाद था भुवनेश्वर कुमार नहीं थे और हैदराबाद भी स्ट्रगल कर रहा है ये अलग बात है कि बेयरस्टो वार्नर मतलब किंग्स इलेवन पंजाब का आईपीएल 2020 का कैंपेन खत्म हाँ अब तो वो साफ फॉर्मेलिटी चलेगी बस फॉर्मेलिटी चलेगी मतलब आप पॉइंट्स टेबल में ऊपर की टीमें शफल करती रहेंगी नीचे एक टीम फिक्स हो गई है ये आप उनके लिए सबसे अच्छा ये हो सकता है कि वो जायंट किलर्स हो जाए जायंट किलर का मतलब होता है कि हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी साथ लेकर डूबेंगे मतलब बड़ी टीम आए पार्टी खराब ये सोच के कि यार ये हमारी पार्टी खराब कर सकती है बट उसके लिए भी राशिका आपको बड़ा डेंजरस क्रिकेट खेलना पड़ता है निकोलस पूरन ने आज जो बैटिंग की है भाई साथ में कौन था मैक्सवेल मुझे पता है 200 रन नहीं बनते कभी कभी बन भी जाते हैं ना एक ओवर में इतने रन फिर अब अभिषेक शर्मा और समद के ओवर में मिलाकर 45 रन थे दो ओवरों में दो ओवर और डलने थे लेकिन मैक्सवेल साहब रन आउट हो गए अब इतने सारे सवाल पंजाब को लेकर हैं उनके कोच को लेकर हैं उनके कप्तान को लेकर हैं मुझे लगता नहीं है कि अब उनका जवाब उनको मिलेगा आठ मैच हैं आई थिंक दे विल जस्ट गो थ्रू द मोशंस आपने अपने एक मस्ट विन गेम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए आउट ऑफ द बॉक्स आपने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली जैसे मोहम्मद शमी को आपने मोहम्मद शमी से शायद पहला ओवर करवा लेते या दूसरा करवा लेते अच्छा होता लेकिन ठीक है मुजीब को खिलाना वाजिब था मुजीब भी नहीं चले कुछ कर नहीं सकते लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है ना जो हार 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 वो केएल राहुल की कप्तानी उनकी बैटिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है मयंक अग्रवाल ने भी बड़ा अच्छा शुरू किया था अब उनके भी एक दो छोटे स्कोर आ गए और रन आउट हो गए तो उस लिहाज से आई थिंक इनका जो एक एक्साइटिंग बैटिंग ऑर्डर जिसे कहते थे ना वो बिखर रहा है क्रिस गेल की बात हुई क्रिस गेल को खिलाना था बट भाई साहब के समक बग हो गया अब हैदराबाद की बात करें हैदराबाद की बड़ी जीत है राशिका लेकिन ये दो नीचे की टीमों की लड़ाई थी वार्नर बेस्टो एक साथ चले द मोमेंट दोनों एक साथ चल गए तो इनको कौन रोकता सामने वाली टीम के लिए तबाही बॉलिंग उन्होंने लेकिन वार्नर ने बड़ा अच्छा कवर किया उन्होंने एक राशिद के इर्द गिर्द बाकियों को रोटेट किया और 69 रन से मैच जीते और बड़ा मार्जिन क्या करता है ना आपको चलो अभी आप 6 पॉइंट हैं लेकिन बड़ा मार्जिन आपके नेट रन रेट को भी इंप्रूव करा देता है जब आखिरी चार की लड़ाई होगी तो नेट रन रेट शायद कहीं ना कहीं किसी टीम और भुवनेश्वर की कमी को बहुत समझदारी के साथ शायद आज अच्छी टीम के खिलाफ नहीं शायद अच्छी टीम के खिलाफ ऐसा मौका उनको बार बार नहीं मिलेगा लेकिन आज पंजाब ने ये दिखा दिया कि वो हल्की टीम ही थे 20-20 के मुकाबले में वो 19 रह गए बल्लेबाजी पे लेकिन मेरा फायदा हुआ होगा बेस्ट तो मेरे कैप्टन थे और आपके नहीं मेरे तो मैंने तो तीन टीमें बनाई थी भाई बढ़िया है कि जितने में मैं खेल रहा हूँ उतना मैं जीत भी रहा हूँ क्योंकि तीन में से दो टीमें मेरी विनिंग रेंज में आ जाती हैं कोई बात नहीं बल्लेबाजी पर भैया आप लोग जीतो इससे बड़ी बात क्या होगी लेकिन मुझे पता चला कि आप में से कई लोगों ने अभी तक बल्लेबाजी को डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड करके रजिस्टर नहीं किया है और रजिस्टर कर लिया है तो आपने खेलना शुरू नहीं किया है अरे भाई खेलोगे नहीं तो यूज नहीं किया जीतोगे कैसे बिल्कुल आज कौन जीतेगा आज तो मुझे लगता है सर दिल्ली कैपिटल्स मुझे लगा राशिका कहने लगी राजस्थान नहीं अगर राजस्थान जीत गया तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए अगर एक विनर प्रेडिक्ट कीजिए आज दिल्ली कैपिटल्स और आप बल्लेबाजी में आज कप्तान किसको बनाएंगी और वाइस कैप्टन किसको बनाएंगी दिल्ली वर्सेस राजस्थान के मैच में कप्तान मैं बनाऊंगी श्रेयस अय्यर को
और वाइस कैप्टन थोड़ा सोच के चलिए ठीक है, टाइम लूंगा मैं भी आपको बताऊंगा। दोपहर को क्वेश्चन आंसर सेशन होगा मेरा और आशिका का, ये नीचे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा होगा इंस्टाग्राम और ट्विटर, यहाँ मेरा लिखा हुआ है। फटाफट फॉलो कीजिए, सवाल भेजिए और आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग जरूर लगाइए। लेकिन भाई साहब, अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो कर ही दीजिए।